गाइस नमस्कार, मेरा नाम रुपेंद्र कुमार शर्मा है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे की वैकेंसी आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिफिकेशन नंबर है जो CEN01/2018, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे पेपर होगा। कंप्लीट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट ALP एंड टेक्नीशियन कैटेगरीज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जो आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से डेट इसका चालू हो रहा है फॉर्म भरने का, 3/2/2018 से चालू हो रहा है और क्लोजिंग डेट है 5/3/2018 जो कि 12 बजे रात में ख़त्म हो जाएगा और आपको भरना ही पड़ेगा इसके बीच। इसके बाद भरोगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब होता है ऑनलाइन टेस्ट है, तो मतलब पेपर आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, है ना। और जो एग्ज़ाम ड्यूरिंग जो चलेंगे वो अप्रैल से मई 2018 के बीच, मतलब गर्मी के समय में एक बार एग्ज़ाम रहेगा। पूरी जानकारी आपको रेलवे के वेबसाइट में मिल जाएगी जो मैं लिंक में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड चीज़ है इसमें जो क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, मतलब देखेंगे जो स्केल पे स्केल है वो 7th पे लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा जो कि 19,900 प्लस रहेगा। और एज जो कि बहुत बड़ा फैक्टर इस बार के रेलवे पेपर में रहेगा, क्योंकि 18 से 28 कर दिया गया एज, और एज कम होने की वजह से कई लोग कट गए, वैकेंसी थी नहीं, एग्ज़ाम अभी आ रहा है, अभी 2 बार टेस्ट होगा इसका, है ना। और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी है, सब कुछ बचना है नेगेटिव मार्किंग से। और जनरल इंस्ट्रक्शंस है इसमें कि कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे साइन अपलोड करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो कि आप पढ़ के ही भर सकते हो। सेकेंड चीज़ रहेगी जो आपको बताना रहेगा, मुख्य जो नोटिस जो आपको जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ पर असिस्टेंट ड्राइवर की और साथ में टेक्नीशियन की। तो हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो बिलासपुर बोर्ड देखेंगे, तो बिलासपुर बोर्ड में 2 आता है, सेंट्रल बोर्ड और SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मतलब आपको जनरल में मिलेंगे 84 पोस्ट और 293 पोस्ट में मिलेंगे कंप्लीट जनरल के। ST SC ऐसे करते हुए अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखते हम लोग कंप्लीट, अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं कंप्लीट तो कम से कम हमको 678 पोस्ट हमको मिल रहे हैं जो कि बहुत होता है। तो पोस्ट तो बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, पर इसमें एज लिमिट करने की वजह से बहुत लोग कट जाएंगे, तो नए बच्चे जो है वो तैयारी करें, बिल्कुल पीछे मत रहे इसके लिए, है ना। और उसके बाद अगर आप इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ में देखते हैं, मतलब आपको क्या मेडिकल फिट होना है, कैसा होना चाहिए मेडिकल, तो A1 B1 B2 C1, मतलब आपको टेक्नीशियन के लिए भी दिया, असिस्टेंट ड्राइवर के लिए भी दिया। असिस्टेंट ड्राइवर के लिए तो मस्ट है 6x C, आपकी आँख का विजन 6x C होना चाहिए विदाउट ग्लास, ग्लास नहीं लगा रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्राइटेरिया तो आपको देखना ही पड़ेगा। बाकी टेक्नीशियन के लिए B1 B2 C1 है जो कि आप निकाल सकते हो, बड़े बड़े चीज़ नहीं है। एज के बारे में जो बता रहा था मैं, जो 18 से 28 कर दिया, जनरल कैटेगरी वाले 28 साल वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं क्योंकि काउंट हो रहा है 1/7/2018 से। STC वाले को 5 साल छूट है, OBC को 3 साल छूट है, बहुत सारे इसमें नियम कानून है, आप देख लीजिए आप क्रिमिनल है नॉन क्रिमिनल है, बहुत सारी क्राइटेरिया है ना। अगर हम देखते हैं जो मोटा मोटी इसके जो सिलेबस कैसा दिया गया है, तो सिलेबस में पहले स्टेज के टेस्ट में सिलेबस में दिया गया मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCM रेशियो करके टोटल मैथ्स के सभी चैप्टर को कवर किया गया है। और जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग की टोटल चैप्टर, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, आपका सिलोलिज्म, डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज पूरा कवर किया गया है जो कि आपको करना ही पड़ेगा। जनरल साइंस में सिंपल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में जो 10th लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं पूछेगा। करेंट अफेयर बहुत मैटर करेगा इस पेपर में, जिसका करेंट बहुत अच्छा है, जो पढ़ते आ रहे हैं करेंट के बारे में वही इस पेपर को अच्छे से बना पाएंगे। तो करेंट अभी से करना चालू कर दीजिए, साल भर पिछला 6 महीने का जो करेंट होगा आप निकालिए और पढ़ना चालू कीजिए। जबकि सेकंड स्टेज भी CBT रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट ही पेपर होगा, है ना। देखो ड्यूरेशन इसमें बहुत कुछ चेंज किया गया है, टाइम लिमिट चेंज की गई है ना, मतलब पार्ट 1 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन, और देखो सेकंड और फर्स्ट का कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है सिलेबस में। क्वालिफाई नंबर है इसमें 40% फर्स्ट में, सेकंड में 30% है जो कि आप देख सकते हो, है ना। जैसे मैं जूम कर रहा हूँ उस हिस्से को देखिए आप, ये पार्ट बी का है, तो अपन पार्ट ए का देख लेते हैं। 90 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सिलेबस दिया हुआ है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अन्यथा मत पढ़िए। जिनका टेक्निकल पोस्ट है वो टेक्निकल के लिए अपना ट्रेड वाइज क्वेश्चन को तैयार कीजिए।
सब ट्रेड के बारे में जानकारी दी गई है कि डिप्लोमा वाले को कौन सा ट्रेड से ले रहा है और आईटी वाले को कौन सा ट्रेड से ले रहा है, उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा फॉर्म डालते वक्त। और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रेलवे के वेबसाइट में जाकर या बहुत सारे फ्री जॉब अलर्ट बहुत सारे साइट्स वहाँ जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ नहीं है कि आपको अपना फ़ोटो संभाल के रखना है, जिस फ़ोटो में आपका नंबर क्लियर होना चाहिए जो नंबर आप डाल रहे हैं, कंप्लीट जो हम फॉर्म डालते वही है, आपको सारे वेबसाइट एज के बारे में क्लियर पता चल चुका है, तो बिल्कुल इसको देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी फॉर्म डाल लीजिए। और पहले सबसे पहले अपना आँख चेक कराइए, जो असिस्टेंट ड्राइवर के लिए फॉर्म डालना चाह रहा है उस पर आँख चेक कराइए, और जो टेक्नीशियन डालना चाह रहा है वो भी अपना आँख चेक कराइए। सिलेबस रेडी है, आज से चालू कीजिए, अप्रैल मई मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 1-1.5 महीने का समय है, ज़्यादा नहीं है अपने पास, तो प्लीज़ अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल।